हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम पांडे। वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगर हम साथ में हैं तो हम मरने से नहीं डरते हैं। लिखा है इसको गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट नाम के दो ऑथर ने। अब इन दोनों ऑथर्स की पिक यहां पर मैं दे रहा हूं, देख लो भाई, यही दोनों हैं जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। अब इस पूरे चैप्टर में कुछ ये हार्ड वर्ड्स दिए गए हैं, इन हार्ड वर्ड्स की मीनिंग आपको क्या करना है इस पूरे चैप्टर से ढूंढना है। तो चलिए चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यार लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन है, फिगर्स भी हमने रखे हैं, स्लाइड्स बनाई हैं, तो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, पूरी वीडियो देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन जुलाई 1906, ये कब की बात है, 1976 की बात है, माई वाइफ मैरी, मेरी धर्म पत्नी मैरी, मेरा बेटा जोनाथन जो कि 6 साल का था, मेरी बेटी सुजैन, ठीक है, जो कि 7 साल की थी, आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ। हम सब ने क्या किया, एक समुद्री यात्रा शुरू की प्लाईमाउथ से। प्लाईमाउथ एक जगह है जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। टू डुप्लीकेट द राउंड, हमने ये यात्रा शुरू की ताकि हम दोहरा सकें राउंड द वर्ल्ड वॉयज, इस पूरी दुनिया की समुद्री यात्रा कर सकें, जो कि आज से 200 साल पहले कर ली गई थी कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा। अब अगर आप कैप्टन जेम्स कुक को नहीं जानते तो जान लीजिए ये एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा की थी, समुद्री यात्रा की थी अपने जहाज में बैठकर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। और काफी लंबे समय से मेरी पत्नी मैरी एंड आई और मैं, जो कि एक 37 साल का बिजनेसमैन था, हमने क्या किया था, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। हमने ये सपना देखा था कि हम भी उस महान, उस फेमस एक्सप्लोरर जेम्स कुक की तरह इस पूरी दुनिया की यात्रा करेंगे। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 सालों से वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम हॉनिंग आवर सी फियरिंग स्किल्स। पिछले 16 सालों से हमने बिताया था ऑल आवर लेजर टाइम, अपने सारे खाली समय, हॉनिंग आवर सी फियरिंग स्किल्स। हॉनिंग का मतलब शार्प करने में, मतलब और भी अच्छा करने में, और भी बेटर बनाने में, जो हमारी समुद्री, जो हम जितना कुछ जानते थे एक जहाज चलाने के बारे में, उन सारी जो मेरी स्किल्स थी उसको हम शार्प कर रहे थे और प्रैक्टिस कर रहे थे इन ब्रिटिश वाटर्स। और कहां पर कर रहे थे, ब्रिटिश इंग्लैंड के वाटर्स में, वाटर्स मतलब समुद्रों में, अलग अलग समुद्र पर वो लोग गए थे, जो नाव चलाने की जो उनके स्किल था उसको वो शार्प कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। आगे देखो क्या होता है, ये कुछ ऐसा ही था, उनकी पत्नी, वो, उनके बच्चे, उनके डॉटर सिप के यात्रा पर जा रहे थे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अवर बोट वेव वॉकर, अब इनकी जो नाव थी वेव वॉकर, ये एकदम सुंदर सी नाव थी जिसका नाम था वेव वॉकर। अब आपको टाइटेनिक की याद आ गई होगी, अगर आपने टाइटेनिक मूवी नहीं देखी ना तो देख लो यार, इस चैप्टर का पूरा का पूरी चीजें आपको उस मूवी में मिल जाएंगी। आगे देखो, अ 23 मीटर, इसी नाव, इसी बोट के बारे में बताया जा रहा है कि जो इनकी बोट थी वेव वॉकर, वो कम से कम 23 मीटर लंबी थी, 30 टन वुडन हर्ल्ड ब्यूटी, और लगभग उसका वजन कितना था, 30 टन था, 1 टन में 100 किलो होता है, तो समझ लो यार, कैलकुलेट कर लो, मैथ मेरी थोड़ा अच्छी नहीं है, 30 टन वुडन हर्ल्ड ब्यूटी, मतलब लगभग 30 टन का लकड़ी के फ्रेम का बना हुआ एक सुंदर सा नाव था वेव वॉकर, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, जिसे बहुत ही प्रोफेशनली, बहुत ही ऐसे कह सकते हो, बहुत ही अच्छे से बनाया गया था, एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द टफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और हमने महीनों बिता दिए थे फिटिंग इट, इसे ठीक ठाक करने में और इसे टेस्ट करने में, इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, जितना खराब मौसम हमें मिल सका उतने खराब मौसम में हमने ये नाव वेव वॉकर चला के देख लिया था, और हर मौसम में ये अच्छे से चल रहा था। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लीजेंटली, जो हमारा पहला चरण था जिसमें लगभग 3 सालों तक हमने समुद्री यात्रा की, और लगभग उसमें 1,05,000 किलोमीटर की हमने यात्रा की, और बहुत आसानी से, बहुत आराम से कट गई है यात्रा। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, और इन 3 सालों में हम कहां से कहां तक गए थे, पश्चिमी किनारे से लेकर
अफ्रीका के केप टाउन तक हमने यात्रा की थी, देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और वहां पर पहुंचने के बाद हम वहां से पूर्व दिशा में, ईस्ट दिशा में चलने से पहले हमने क्या किया, वी टुक ऑन टू क्रूमेन, हमने वहां पर दो नाविक, दो बोटमैन को लिया, अमेरिकन लैरी विजिल, जो कि उनमें से एक था अमेरिका का लैरी विजिल, और दूसरा था स्विट्जरलैंड का हर्ब सेगलर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, ताकि वो दोनों मेरी मदद कर सके, हमारी मदद कर सके टैकल करने में, संभालने में इस दुनिया के सबसे खराब समुद्र की, द साउदर्न इंडियन ओशियन। ठीक है, ये इंडियन ओशियन जहां पर ये समुद्र बहुत ही खराब माना जाता है क्योंकि इसमें लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। ऑन आवर सेकेंड डे, हमारी जो दूसरी दिन थी जब हम वहां केप टाउन से निकले थे, उसके दूसरे दिन ही वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। स्ट्रॉन्ग गेल्स का मतलब होता है, आप कह सकते हो बहुत तेज हवाओं का सामना करना हमने स्टार्ट कर दिया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों तक दे ब्लू कॉन्टिन्यूसली, ये तेज हवाएं लगातार चलती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, ये तेज हवाएं मुझे परेशान नहीं करती थी, बट द साइज ऑफ द वेव्स, लेकिन इन इन लहरों की जो साइज होती थी वॉज अलार्मिंग, इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठती थी कि ये सचमुच खतरे की घंटी थी। अप टू 50 meters, कम से कम 15 मीटर ऊंची लहरें उठती थी, एज हाई एज आवर मेन मास्ट। अब मेन मास्ट क्या होता है, मेन मास्ट सिप पर लगे हुए एक पिलर होता है जिनसे कपड़ा बांधा जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेल। आपके सामने ये फिगर दिख रहा होगा, ये लंबा सा जो पिलर दिख रहा है ना, इसी को मेन मास्ट कहते हैं। इतना ऊंची लहरें उठ रही थी, 25 दिसंबर 25, 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन, और दिसंबर 25 मतलब क्रिसमस का दिन था, फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, और 25 दिसंबर तक हम लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा केप टाउन से, जहां से हमने उन दो नाविकों को लिया था ना, वहां से लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा हमने तय कर ली थी। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, इतने खराब मौसम के बावजूद, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, हमने बहुत अच्छे से छुट्टियां मनाई, कंप्लीट विथ अ क्रिसमस ट्री, और हमने जो क्रिसमस ट्री सजाया था क्रिसमस डे के दिन, वहां पर हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट, नया साल आ गया और अब भी मौसम नहीं बदला, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ मौसम इन द वेदर, बट वी रीजन्ड दैट, लेकिन हमने सोचा, हमने तर्क लगाया कि इट हैड टू चेंज सून, ये जल्द ही बदल जाएगा, एंड इट डिड चेंज, और ये बदला भी फॉर द वर्स, लेकिन और बुरा हो गया, अच्छा होने के बजाय मौसम और ज्यादा बुरा हो गया। आप देख रहे हो इसमें क्रिसमस जैसा ये एकदम सजा हुआ है ना, ये जहाज सेम वैसे ही ये जहाज सजाए हुए थे। आगे चलते देखो क्या होता है इनके साथ। एट डॉन ऑन जनवरी 2, और 2 जनवरी की बात है, 2 जनवरी की सुबह की बात है, द वेव्स वर जाइगेंटिक, जो लहरें थी वो बहुत ऊंची ऊंची उठने लगी थी। वी वर सेलिंग विथ ओनली स्मॉल स्टॉर्म जिब, हम यात्रा कर रहे थे, हम नाव को चला रहे थे केवल एक छोटे से तूफान से बचने के लिए, जो जिब लगाई जाती है। अब जिब का मतलब आप समझ लीजिए, ये जिब की पिक मैं दिखा दे रहा हूं, ये होता है जिब, तो इनके जहाज में केवल एक छोटी सी जिब लगी हुई थी, एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots, और हम अब भी लगभग लगभग 8 knots किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अपनी जहाज चल रही थी। 8 knots क्या होता है, लगभग 14 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होती है ये, इतनी स्पीड से इनकी जहाज चल रही थी। एज द सिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, और जैसे लहरें उठती थी और जैसे ही जहाज हमारी लहरों के साथ ऊपर उठती थी ना, वी कुड सी, हम देख सकते थे Endless, enormous seas, कभी नहीं खत्म होने वाली ये एकदम भयानक समुद्र, rolling towards us, ऐसा लगता था कि ये घूम घूम कर, ये समुद्र की लहरें, ये समुद्र हमारी तरफ ही आ रहा है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और क्या आ रहा था हमें,
चिल्लाने की आवाज, चीखने की आवाज आ रही थी, सरसर सरसर हवाएं बह रही थी, एंड स्प्रे वॉज पेनफुल, और जो बारिश की बौछार थी ना वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, ये बहुत नुकसानदायक थी, बहुत दर्द देने वाली थी हमारी कानों को। टू स्लो द बोट डाउन, हमने अपने जो जहाज थी उसके गति को धीमे करने के लिए वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब एंड लैस्ड अ हैवी मूरिंग रोप, हमने क्या कर लिया, हमने जो तूफान से बचने के लिए जो जिब लगाया जाता है ना उसको हमने ड्रॉप कर लिया, मतलब थोड़ा सा ढीला कर दिया, एंड लैस्ड अ हैवी मूरिंग रोप, और एक बहुत मोटी मूरिंग, मतलब मूरिंग रोप का मतलब आप समझ सकते हो जो जहाजों में पीछे के डेक से बांधने के लिए एक रस्सी का प्रयोग किया जाता है उसी को मूरिंग रोप कहते हैं। तो वहीं पर इन्होंने कहा कि हमने लैस्ड कर दिया, हमने बांध दिया एक मोटी रस्सी इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। स्टर्न का मतलब क्या होता है, जहाज का जो पिछला हिस्सा होता है वहां पर एक ऐसा, आप फिगर में देख सकते हो, ऐसा घुमावदार चीज होती है जिसमें उन्होंने रस्सी को बांध दिया। उसके बाद क्या किया, देन वी डबल लैस्ड एवरीथिंग, उसके बाद हमने हर चीजों को, जहाज की हर चीजों को दो बार बांध दिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और हमने अपने जहाज के साथ जो लाइफ राफ्ट ड्रिल, एक छोटी नाव होती है आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, ये हमने अपने जहाज के साथ बांध दिया। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, हमने जो लाइफ लाइन्स, जो रस्सियां होती हैं उसको लाइफ राफ्ट ड्रिल से बांध दिया। डंड ऑयल स्किन्स, हमने ऑयल स्किन्स का मतलब क्या होता है, जो ये समुद्र का पानी खारा होता है और उस पानी से अपने त्वचा, अपनी स्किन को बचाने के लिए जो कपड़े पहनते हैं उन्होंने ये सारे कपड़े पहन लिए, लाइफ जैकेट भी पहन लिया, और इंतजार करते रहे कि कब तूफान आए और हम कब समुद्र में कूदे। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM, और जो पहला संकेत था इतने इम्पेंडिंग डिजास्टर का, इतने बड़े आपदा का, वो लगभग 6 बजे आया। पहला संकेत हमें कब मिला, 6 बजे शाम को, विद एन ओमिनस साइलेंस, एक अचानक सी एक अजीब तरीके की शांति छा गई पूरे माहौल में। द विंड ड्रॉप्ड, हवा चलना बंद हो गया, एंड द स्काई इमिडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान अंधेरा सा हो गया, काला सा हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोअर, तभी एक गड़गड़ाती सी हुई आवाज आई, एंड एन एनॉर्मस क्लाउड, और एक बहुत बड़ा सा विशालकाय बादल टावर्ड ऑफ द शिप, हमारे जहाज की तरफ बढ़ रहा था, हमारे जहाज की तरफ आ रहा था। टावर्ड का मतलब अप्रोचिंग, विथ हॉरर, और डरते डरते आई रियलाइज, मैंने महसूस किया दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, कि ये जो हमारी जहाज की तरफ बढ़ रहा था ये बादल नहीं है, बट अ वेव, ये एक लहर है, ये एक समुद्र की लहर है, लाइक नो अदर, एक ऐसी लहर है जिस इस तरीके की लहर मैंने कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ये जो लहर थी वो पूरी तरीके से सीधी खड़ी थी, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और दूसरे लहरों के मुकाबले इसकी जो ऊंचाई थी लगभग दुगना थी। विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और एक बहुत ही भयानक सी, एक ऐसे कह सकते हो गड़गड़ाती हुई आवाज आ रही थी जब वो लहर हमारी सिप की तरफ आ रही थी, तो हो सकता है वो लहरों की आवाज हो। द रोअर इंक्रीज्ड, और ये लहरों की आवाज और बढ़ती गई, टू अ थंडर, एक ऐसे कह सकते हो गड़गड़ाहट में बदल गई, जब एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और जैसे ही जो स्टर्न होता है, स्टर्न का मतलब क्या होता है आप जानते हो, ये जो सिप है हमारी, ये सिप, सिप के ये पीछे वाले हिस्से को हम स्टर्न कहते हैं, तो वही यहां पर कह रहा है कि एज द स्टर्न मूव्ड, जैसे ही हमारे सिप का स्टर्न मूव हो गया, हिल गया, अप कहां पर मूव हो गया, एकदम ऊपर चला गया, द फेस ऑफ द वेव, हमारा जो सिप था, ये हमारा सिप और लहर का एकदम आमना सामना हो गया था, ठीक है। एंड फॉर अ मोमेंट, और एक समय के लिए आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, हमें लगा, मुझे लगा कि हमारी जो जहाज है वो इस लहर के ऊपर से राइड कर जाएगी, चली जाएगी, बट देन अ ट्रेमंडस एक्सप्लोजन सुक द डेक, लेकिन तभी
एक बहुत ही ट्रेमंडस, बहुत ही तेज से एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ और पूरे डेक को हिला के रख दिया। डेक का मतलब क्या होता है, ये हमारी जहाज, ये जो हिस्सा होता है, ये वाला आगे वाला जो पीछे वाला ये जो हिस्सा होता है, इसको कहते हैं हम डेक। तो ये पूरे डेक को हिला के रख दिया और टॉरेंट ऑफ ग्रीन वाइट वाटर ब्रोक ओवर द सी। और ये जो जहाज थी हमारी, इस जहाज पर ये जो पानी की जो लहरें थी ना, वो यहां डेक पर आके क्या हो गई, बट देन अ ट्रेमंडस एक्सप्लोजन सुक द डेक। लेकिन तभी एक ट्रेमंडस, एक बहुत तेजी से एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ, जिससे शिप का जो डेक था ना, वो पूरी तरीके से हिल गया। डेक का मतलब क्या होता है, ये जहाज है हमारा, ये इस आगे और पीछे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, डेक कहते हैं। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द सी। एक टॉरेंट, एक बौछार जो थी नीले कलर की, ग्रीन एंड वाइट वाटर का मतलब आप समझ सकते हो, जो समुद्र के पानी का कलर होता है, ब्रोक ओवर द सी, वो पूरे हमारे जहाज के ऊपर ये जो पानी था वो पूरा फैल गया। माई हेड स्मैश्ड इन टू द व्हील। और इस झटके से जो मेरा सर था, वो जो गाड़ी, जो सिप को चलाने वाली व्हील होती है ना, ऐसे गोली गोली सी, उसमें जाके टकरा गई। एंड आई वॉज अवेयर, लेकिन तब भी मैं सजग था, तब भी मैं पता कर पा रहा था, फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। मुझे पता था कि मैं कैसे इस जहाज से उड़कर पानी में गया और कैसे मेरा जो सर था वो लहरों के बीच में डूब रहा था। आगे देखते हैं क्या हुआ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ एंड एस आई वॉज लूजिंग कॉन्सियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। और जब मैं डूबने लगा लहरों के बीच में, आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैं अपनी मौत को एक्सेप्ट कर चुका था, स्वीकार कर चुका था कि मुझे तय था कि अब मैं मर ही जाऊंगा। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्सियसनेस, और जैसे जैसे मैं बेहोश हो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मुझे एक शांति सी महसूस हो रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे एक मरने वाले व्यक्ति को महसूस होती है। Unexpectedly, my head popped out of the water, और मेरे उम्मीद के एकदम विपरीत जो मेरा सर था वो पानी के बाहर आ गया। A few meters away, मैंने क्या देखा, मुझसे कुछ दूर पर ही wave walker, जो मेरी नाव थी, was near capsizing, वो लगभग capsizing होने वाली थी, पलटने वाली थी। हर mast, जो मेरी boat का जो mast था, मैंने बताया था ना, mast का मतलब क्या होता है, pillar, जो बीचों बीच लगी होती है, almost horizontal, वो लगभग पलटने वाली थी, horizontal हो गई थी, मतलब ऐसे हो गई थी, ठीक है। Then a wave hurled her upright, तभी एक लहर आई और मेरी जो नाव, जो एकदम पलटने वाली थी, उसको सीधा कर दिया। My lifeline jerked, जो मैंने lifeline पहनी हुई थी, वो भी एकदम jerked हो गई, सख्त हो गई। उसमें मैंने एक झटका सा महसूस किया। I grabbed the guardrails, मैंने क्या किया, मैंने किसी भी तरीके से पकड़ लिया, जो जहाज में रेलिंग्स लगी होती है ना, उसको मैंने पकड़ लिया। And sailed through the air into wave walkers main boom, और कैसे भी कैसे कर मैं, जो मेरी नाव का मेन बूम था, मेन बूम का मतलब ऐसे कह सकते हो वो हिस्सा जहां पर ड्राइवर रहता है, वहां तक मैं पहुंचा। सबसिक्वेंट वेव्स tossed me around the deck, लेकिन जो लगातार लहरें थी वो मुझे पटक दे रही थी around the deck। Around the deck का मतलब ये हमारा जहाज है, यहाँ अगल बगल इसको पटक दे रही थी वो जो लहरें थी, like a rag doll, जैसे कि कोई कपड़े की गुड़िया हो। My left ribs cracked, जो मेरी दाहिने बाएं तरफ की जो मेरा रिप्स थी, रिप्स का मतलब आप समझ सकते हो, वो क्रैक हो चुकी थी, वो एकदम टूट चुकी थी। माय माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरा मुंह पूरा खून से भर गया था। एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे दांत भी टूट गए थे। समहाउ, किसी भी तरीके से, आई फाउंड द व्हील, मैंने जो शिप को चलाने वाली व्हील होती है उसको पकड़ लिया। लाइंड अप द स्टर्न, मैंने जो स्टर्न था, जो हमारे ये बोट का जो पिछला वाला हिस्सा था, उसको मैंने कैसे भी सीधा किया फॉर द नेक्स्ट वेव, अगली आने वाली लहरों के लिए। एंड हंग ऑन, और उसे पकड़े रखा। अब आगे क्या होता है चैप्टर में, वो हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।